दोस्तों आप देख सकते हो, यह है जंगली सुअर। देखो कैसे घूम रहा है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका माय न्यू ब्लॉग में। दोस्तों आज हम जा रहे हैं लखीमपुर खीरी, नेपाल के बॉर्डर पे पड़ता है और हमारे घर से लगभग 300 किलोमीटर दूर है। मेरे दोनों लड़के, मेरी वाइफ, मेरी मम्मी और हम अपने डॉगी को भी लेके जा रहे हैं और पूरे रास्ते हम आपको दिखाएंगे कैसे कैसे रास्ता कहाँ कहाँ पड़ता है और वहीं पहुँच के आपको वहाँ का माहौल दिखाते हैं। वीडियो के साथ जुड़े रहें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको डॉगी को दिखाते तो मेरा छोटा लड़का बिल्कुल रेडी है और मेरा बड़ा लड़का भी, और हम आपको डॉगी दिखाते हैं। ये डॉगी का घर था, डॉगी ने पूरा अपना घर खराब कर दिया। और ये है हमारा स्पाइडर। दोस्तों इस टाइम आ गए हम लुद्धरपुर में, आप देख सकते हो बहुत सारे भोले जा रहे हैं यहाँ, और हमारा स्पाइडर भी घबरा रहा है हमारा डॉग, क्योंकि फर्स्ट टाइम सफर कर रहा है इतना लंबा। अभी लगभग हम 50 किलोमीटर आ चुके हैं घर से, चलो आगे का सफर दिखाते हैं। दोस्तों इस टाइम लगभग हम आधे रास्ते पहुंच आए हैं पीलीभीत, और सभी सो रहे हैं, हमारा डॉग भी और मेरे दोनों लड़के भी, सभी इस टाइम नींद में सो रहे हैं। चलो अब धीरे धीरे निकल रहे हैं आगे, अभी पीलीभीत पार कर दिया। दोस्तों इस टाइम हम पूरनपुर पहुंचने वाले हैं, ये जंगल वाले रास्ते से निकल रहे हैं। यहाँ टाइगर रिजर्व काफ़ी बड़ा है, यहाँ ज़्यादातर टाइगर बहुत ज़्यादा मिलते हैं रोडों पर, इसलिए यहाँ बहुत खतरा रहता है। अभी आपको जंगल वाला रास्ता दिखाते हैं। दोस्तों आप देख सकते हो ये पूरा रास्ता जंगल वाला है, यहाँ काफ़ी खतरा रहता है। यहाँ पीछे एक बोर्ड भी लगा हुआ था टाइगर का, यहाँ जंगल में जाकर रुकना भी मना है। दोस्तों अभी हम थोड़ा रास्ते में रेस्ट कर रहे हैं और हमने अभी स्पाइडर को भी खाना खिलाया है, आप देख सकते हैं स्पाइडर ने भी खाना खा लिया। और ये मेरी मम्मी बैठी हैं, मेरा छोटा लड़का भी, मैंने सोचा थोड़ा आराम कर लिया जाए। काफ़ी सुंदर नज़ारा है यहाँ, काफ़ी इंजॉय आ रहा है। तो ये मेरा लड़का देखो बहुत खुश है कि आज अपनी मेरी बुआ है उनके पास जा रहे हैं घूमने के लिए, काफ़ी टाइम बाद, लगभग मुझे 16 साल हो गए, और बहुत अच्छा लग रहा है, पूरे रास्ते इंजॉय करते आए हैं। चलो अभी थोड़ा आराम करते हैं, यहाँ से निकलते हैं। अब हमारा स्पाइडर ने भी आराम कर लिया। दोस्तों ये तंबू साहिब जंगल वाला ये गुरुद्वारा है खुटार के पास। दोस्तों ये कितना प्यारा गुरुद्वारा है, आप देख सकते हो। जंगल के बीच में है और आप देख सकते हो घोड़े। ये सेवा के लिए गुल्लक लगा हुआ है, वो पापा जी हैं, और आप देख सकते हो ये कितने प्यारे चित्र हैं। और ये निशान साहब, बहुत प्यारी जगह है। दोस्तों यहाँ गाड़ी धीरे चलाने का एक बोर्ड लगा हुआ है, इसलिए थोड़ी गाड़ी धीमे चला रहे हैं। गति 30 की।
दोस्तों, आप देख सकते हो, यह है जंगली सुअर। देखो कैसे घूम रहा है, कोई डर नहीं है, कोई शिकस्त नहीं है। देखो भाग भी नहीं रहा दोस्तों, एक पीछे भी देखा था पर वो भाग गया था। देखो कैसे देख रहा है, पर भाग नहीं रहा। दोस्तों सामने चीतल के बच्चे हैं हिरन के, वो देखो भाग गए। थोड़ी दूरी पे हैं, थोड़ा दिखाई कम दे रहे हैं। मेरे आया ना, कितने हैं? सात आया, कौन बटा है? दोस्तों इस टाइम मैं अपनी बुआ के घर आ गया हूँ और 8 बज गए हैं, काफ़ी टाइम हो गया। और सुबह आपको यहाँ गांव का नज़ारा दिखाएंगे और चारों तरफ खेत ही खेत हैं और नदी भी पास में है। दोस्तों आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं, कल एक नए ब्लॉग में मिलते हैं।